पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये एक बड़ा गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहला ऐसा दिन है जिसमें कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार ली थी, और ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो पहली बार, ये आज का दिन इतिहास में गौरवान्वित दिन है। चांदनी चौक की बात करें तो प्रवीण खंडेलवाल जी भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, व्यापारी नेता कहे जाते हैं, तो किस तरह से आप लोगों ने प्रचार किया है, तो क्या रिजान लोगों का मिला और क्या देख रहे हैं? खंडेलवाल जी स्वभाव से अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं और काम करने वाले हैं। निरंतर उन्होंने अपने रहे व्यापार प्रकोट से जुड़े रहे, तो निरंतर समस्याएं सुनते रहे, उनका निदान किया। उसी हिसाब से यहाँ पे भी अब हमारे क्षेत्र में वो सांसद हैं, और उन्होंने पहले दिन ही आते कह दिया है कि जो मेरा वादा था उसे पूरा करना है, और उसके लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे जिस जिसके वादे पूरे करने हैं वो करने हैं। कार्यकर्ताओं का नारा था चुनाव से पहले अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हो पाए, तो क्या कारण मानते हैं उसका? 400 पार के लिए देखो, विपक्ष ने उसको गलत ढंग से रखा। उन्होंने कहा संविधान से छेड़खानी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, दलितों का हक मर जाएगा, ये सारी चीज़ों का ना भ्रमित तरह से किया। कुछ हमारे कार्यकर्ता भी अस्वस्थ हो गए थे कि ये सीट तो हमारी आ ही रही है, तो थोड़ा उन्होंने भी मेहनत नहीं की। यदि वो अच्छे से मेहनत होती तो ये 400 पार होती, उसमें कोई दोराय नहीं। किशनगंज वार्ड में आप लोग जमकर काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हो, क्या संदेश देना चाहेंगे किशनगंज के जो मतदाता हैं जिन्होंने सहयोग किया? किशनगंज के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने मोदी जी के प्रति विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के खंडेलवाल जी को विजय बनाया। हमारा किशनगंज का बहुत महत्वपूर्ण रहा कि जो भी हमारे कार्यकर्ता है उन्होंने अपने तन मन से अपनी पूरी कार्य किया है, और जैसे भी है कि उनको पूरी जीत की कोशिश करवाई है और करी है, और अच्छे से ज़्यादा वोटों से उनको जीता है। मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बीजेपी में प्रथम प्रधानमंत्री जी हैं कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं, और सबका साथ सबका सहयोग से प्रधानमंत्री जी बने हैं, और वो बन 5 साल पूरा कार्यकर जिस तरीके से आगे पीछे करते आए हैं वैसे ही आगे और अच्छे से करेंगे और ज़्यादा तरक्की करेंगे। प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, तो आगे भविष्य में प्रधानमंत्री जी से और आपके नव निर्वाचित सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी से क्या उम्मीदें रखते हैं? कि हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो MP प्रवीण खंडेलवाल जी बने हैं और मोदी जी के सहयोग से हमारे जो क्षेत्र में है कार्य अच्छा होगा, और प्रवीण भाई जैसा कहा है उन्होंने उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे और करेंगे आगे। प्रत्याशी आप रहे हैं गीता नागर जी, आपने चुनाव लड़ा है किशनगंज वार्ड से, किशनगंज के जो मतदाता हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना पूरा सहयोग तन मन से और पूरा 85 दिन का जो भी कार्यकर्ता पूरे दिन उन्होंने अच्छे से काम किया है। जहाँ भी उनको कार्य मिला वहाँ पे हर बूथ पर कार्यकर्ता सक्षम रहा है। पहली बात तो ये है कि अभी पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे गर्व की बात है जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो कार्य कर रही है जनता के प्रति, जो नई नई स्कीम लेके आ रही है। सो जो अगर ये जो सरकार बनी है अभी तीसरी बार, वो इसलिए हमारे बेनिफिट की रहेगी जनता के प्रति, क्योंकि जो कार्य नहीं हुए थे पिछले 10 साल के कार्यकाल में, वो अब जो तीसरी बार सरकार भाजपा की बन रही जा रही है NDA की, तो उसमें जो कार्य उनके रह गए वो काम पूरे होंगे। सो सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो भारतीय मतलब पूरी जनता के लिए वो सबसे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो अभी तक कार्य नहीं मिले थे, उनको बेनिफिट नहीं मिले थे, उनका बेनिफिट का टाइम अब आ चुका है। देखो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार जो बनने जा रही है पहले 10 साल राज कर चुकी है, उसी पे विश्वास दिखाते हुए जनता ने उन्हें दोबारा से मौका दिया है, और इस बार प्रधानमंत्री जितना उन्होंने पहले किया मुझे आशा है कि उससे ज़्यादा करेंगे। तो सबसे पहले मैं BJP के कार्यकर्ताओं और मोदी जी को धन्यवाद कर बहुत बधाई देता हूँ कि भारतीय इतिहास में वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, ठीक है। और भारतीय जनता ने उनके विकास और उनके जो कार्यशैली थी उस पर भरोसा करके उनकी जो उन्होंने गारंटी दी थी उस पर सहमत होके उनको वोट दिया है और भारी मतों से विजयी किया है।